विदाउट वेस्टिंग आर टाइम, बिकॉज ये जो सब लेसन जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ ये थोड़ा लंबा है, और इसके लिए टाइम जो है वो हमें ज़्यादा चाहिए, तो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। लास्ट वीक हमने पढ़ा था भाई ममदू का इमला, जिसका काम हमने कंप्लीट कर लिया था, तो आप मुझे बताइएगा किस किस बच्चे ने अपना जो काम है वो कंप्लीट कर लिया है, टेल मी, इनबॉक्स करें भाई ममदू का इमला सारा आप बच्चों का कंप्लीट है, थम्स अप का इम्प्रेशन दें, गुड शाबाश, थम्स अप का इम्प्रेशन दें सब बच्चे, ओके गुड गुड, ओके जी। तो आज हमारा नेक्स्ट जो लेसन है वो है बाईसाइकिल की तालीम, जो के मुसन्निफ यानी के हमारे शौकत थानवी ने लिखा है, और इन्होंने अपने बचपन का एक जो वाकया है वो बड़े मजाहिया लहजे में इस सबक में जो है वो बयान किया है। तो आइए हम सब पढ़ते हैं, ठीक है। मैं इसको पढ़ने जा रही हूँ, आप सब अपनी बुक्स पर देखिएगा, ओके। और मैं आपको इनबॉक्स पे पूछ सकती हूँ कि मैंने कहाँ से किस वर्ड से छोड़ा है, राइट, ओके। ये मुसन्निफ ने बड़ी खूबसूरती से अपने बचपन का एक वाकया बयान किया है, जैसे कि आप सबको जो है ये बहुत सारी चीजें हैं जो बचपन में अट्रैक्ट करती हैं, कुछ लोगों को साइकिल पसंद है, गर्ल्स को डॉल्स पसंद होती है, ठीक है। इसी तरह जो मुसन्निफ थे उन्हें भी ये बाईसाइकिल की जो था ना वो बहुत पसंद था कि मैं साइकिल चलाऊं, लेकिन जो इनके बुजुर्ग थे इनके पेरेंट्स थे सारे वो कहते थे नहीं, जब तक आप अच्छी तरह नहीं सीखेंगे हम आपको साइकिल लेकर नहीं देंगे, ये मैं आपको फर्स्ट थोड़ा सा बता रही हूँ, ठीक है, एक तरह का मरकजी ख्याल, ताकि आगे जो है हम इसको अच्छी तरह से जो है वो पढ़ सकें, ठीक है। तो ठीक है, तो उसके बुजुर्ग इसके जो मुसनिफ के जो बुजुर्ग थे इनके बुजुर्गों ने कहा कि आप पहले इसको किसी पुरानी साइकिल पे इसका सीखें कि ये कैसे चलती है, उसके बाद हम सोचेंगे हम आपको न्यू लेके देंगे, नई लेके देंगे साइकिल, ठीक है। तो जब उन्होंने ऐसे किया, अरे जब उन्होंने ऐसे किया तो उनका क्या मतलब कि उनका हाल हुआ, उनकी हालत कैसी हुई, ये अभी हम जो है वो इस सबक में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, ओके। ध्यान से इस सबक को गौर कीजिएगा, मैं कहीं भी आपसे कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकती हूँ, समझ आई। अभी कद इतना भी ना था कि पैर आसानी के साथ बाईसाइकिल के पैडल तक पहुंच सके, कि साइकिल सवारी के शौक ने गुदगुदिया, यहाँ तक के साइकिल सवारी के शौक ने गुदगुदाया, यहाँ तक कि अब बगैर साइकिल के जिंदगी दुश्वार हो गई, ठीक है। मुसनिफ को इतना शौक आया कि साइकिल का जो था शौक उसको बड़ा उसका दिल मचल रहा था कि मैं फौरन से जो है वो साइकिल ले लूं, ठीक है। गुदगुदाया मतलब होता है अंदर से किसी ख्वाहिश को का बहुत ज्यादा आपको इरिटेट करना, कि वो ख्वाहिश जो है वो कह रही होती है कि बस ये काम जो है ना हमारा हो जाए, गुदगुदा गुदगुदाया का जो मतलब होता है वो ये होता है, ठीक है। हर वक्त इसी का तذکرہ, जब हमें किसी चीज का शौक होता है तो हम हर वक्त क्या करते हैं, उसी की बातें करते हैं, और रात को ख्वाब भी उसी के देखते हैं, ठीक है, जैसे कि ये मुसन्निफ देख रहे हैं, और रात को ख्वाब भी देखते हैं। तो बाईसाइकिल का बात ये थी कि सड़कों पर कसरत से अपने हम उम्रों को और अपने से बड़े लोगों को बाईसाइकिल पर फराटे भरते हुए देखते थे और कलेजा थाम कर रह जाते थे कि एक ये हैं जिनको जिंदगी का लुत्फ हासिल है, दुनिया में बहिश्त के मजे उड़ा रहे हैं। यानी कि वो इतने ज्यादा उसके लिए क्रेजी थे, इतने ज्यादा उनको मतलब कि वो दीवाने हो गए थे, कि वो बस चाह रहे थे कि जल्द से जल्द उनको जो है वो साइकिल जो है वो मिल जाए। जब वो सड़क पर जाते थे तो अपने बुजुर्गों को देखते थे, अपने से बड़े उम्र के देखते थे, या किसी बुजुर्ग को देखते थे, या अपने जितने बच्चों को देखते थे जो साइकिल चला रहे होते थे, तो उनका दिल जो था वो ऐसे होता था कि बस मैं जल्दी से जो है वो साइकिल ले लूं, और देख के ये ख्वाहिश बयान कर रहे होते हैं कि वाह ये तो बड़े जन्नत के मजे ले रही है। यानी कि वो हमारी जो ख्वाहिश होती है वो हमें ऐसे लगता है जैसे जन्नत के नजारों की तरह होती है, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे शायद जो है वो मतलब कि अपने आप को इस तरह बयान कर रहे हैं, अपनी ख्वाहिश को इस तरह बयान कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि उनकी ख्वाहिश ने उनका दिल जो है वो मचला दिया है, बहुत ज्यादा वो उस ख्वाहिश की तरफ जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं, पुरकशिश हो रहे हैं, ठीक है।
तो उससे आगे है बाईसाइकिल के मालिक हैं और दुनिया में भीषते मजे उड़ा रहे हैं और बाईसाइकिल के मालिक, वो कहते हैं कि जो जिन लोगों के पास साइकिल है, जो इसके मालिक है, वो तो दुनिया में भीषते मजे उड़ा रहे हैं, जन्नत के मजे उड़ा रहे हैं, और बाईसाइकिल पर बैठ के हवा में तैरते फिरते हैं। वो कह रहे हैं हवा में उड़ते फिरते हैं, उनको उन्होंने लिखा हुआ तैरते फिरते। ये नज़म जो है एक मजाहिया लहजे में जो है वो मुसन्निफ ने इसको लिखा है, ठीक है, और अपने ही बचपन का जो वाक्य है उसको बयान किया है। एक हम बदकिस्मत है कि हमारी किस्मत में और सब कुछ है, अगर नहीं है तो सिर्फ साइकिल। मुसन्निफ कहता है कि सिर्फ मैं ही बदकिस्मत हूँ कि जिसकी किस्मत में साइकिल नहीं है, बाकी तो सबकी किस्मत में सारा कुछ है, ठीक है जी। हमारे बुजुर्गों को हमारी दिली कैफियत का इल्म था, बल्कि वो हमारे मजनूनाना हालत से तंग आ गए थे। मजनू हम कहते हैं ना, ये तो मजनू हो गया है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मजनूनाना, यानी के मजनूवार दीवानावार, ठीक है, हालत से तंग आ गए थे और किसी ना किसी तरह हमको मुतमईन करने की फिक्र में थे। आखिरकार उधर से ये शर्त पेश की गई, उधर से यानी बुजुर्गों की तरफ से, कि सवार होना सीख लो तो खरीद लीजिए ली जाए, और इधर से ये जिद की थी कि खरीद दो तो सीख लेंगे जी। मुसन्निफ कहते थे कि आप मुझे खरीद के दें, मैं सीख लूंगा, और जो बुजुर्ग थे वो कहते थे पहले आप सीखिए फिर हम आपको खरीद के देंगे, जैसे कि आपके पेरेंट्स भी आपके साथ अक्सर यही करते हैं, ठीक है। लेकिन बा गुफ्तो शनीद, यानी कि बहुत ज्यादा बहसो मुबासे के बाद, कहना सुनना, मतलब कि कही सुनी जैसे नहीं होती, उसको कहते हैं गुफ्तो शनीद, बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगु के बाद कुछ हमारे बड़े बूढ़े झुके और कुछ हम, यानी कुछ बूढ़ों ने हमारी बात मानी, बुजुर्गों ने, और कुछ हमने, और आखिरकार ये तय पाया कि हम किसी पुरानी बाईसाइकिल पर सवार होना सीख कर मश्क कर ले तो नई साइकिल खरीद ली जाएगी, वरना नई बाईसाइकिल टूट कर सीख चुकने से पहले ही हमको फिर नई बाईसाइकिल की तमन्ना में मुबतला कर देगी, ठीक है। पुरानी बाईसाइकिल की जुस्तजू में इत्तफाक से बहुत जल्द कामयाबी हासिल हो गई, यानी एक दिन कोई साहिब बाईसाइकिल पर सवार होकर हमारे किसी बुजुर्ग से मिलने आए, तो वो उधर मिलते रहे और इधर इनकी बाईसाइकिल हमारे काम आई, यानी कि उनके घर कोई बुजुर्ग आए, कोई उनके बड़े बुजुर्गों से मिलने, कोई और बड़ा बंदा आया और वो साइकिल पर आया, और जो मुसन्निफ थे उन्होंने क्या किया, उनकी साइकिल पकड़कर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, उनकी साइकिल सड़क पर लेकर चले गए। तो आगे हाल सुनिए कि मुसन्निफ के साथ क्या हुआ। बाईसाइकिल लेकर कंपनी बाग की इस सड़क पर पहुंचे जो फराज से निशेब की तरफ गई थी, और वहां फितरत को बेहतरीन मौलम जानकर हमने बाईसाइकिल की बिस्मिल्लाह कर दी। बाईसाइकिल के पैडल पर बायां पैर रख कर दाहिना उठाया ही था कि वो बजाय आगे चलने के लहरा कर इस तरह लेट गई कि हम निस इसके फ्रेम में और निस जमीन पर दराज नजर आए। हाँ जी, आधी साइकिल के अंदर मुसन्निफ और आधी साइकिल के बाहर, और साइकिल जो थी वो सड़क पर लेट गई थी। ये जी मुसन्निफ की पहली मश्क थी, यानी पहली साइकिल चलाने की कोशिश थी, ठीक है। आगे चलते हैं जी। लेकिन जब हम मर्दानावार उठे, कपड़े झाड़े और बहादुराना साइकिल बाईसाइकिल को उठाकर फिर कोशिश की, इस मर्तबा बाईसाइकिल थोड़ी दूर चलकर खुद ब खुद खड़खड़ाई और एक झटके के साथ इस तरह गिरी कि हम बाईसाइकिल को हाथ में लिए लिए कलाबाजियां खा गए और थोड़ी बहुत चोट भी आ गई। लेकिन हमने कहा गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तफल ही क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले, ठीक है। यानी के मुसन्निफ जो है वो इतने के दीवाने हो गए थे, इतने वो दीवानावार साइकिल चलाने के लिए हो गए थे कि वो एक दफा प्रैक्टिस की गिर गए, दूसरी दफा फिर उनकी कलाबाजियां लगी और वो खुद जो थे वो जमीन पर आगे गिर गए, और उन्होंने क्या कहा, शेर बोलना शुरू कर दिया, जो कि मैंने अभी आपको बताया वो वाला शेर, ठीक है। आगे है, हाथों से घुटनों को सहलाते हुए हमने फिर मश्क की और ये मश्क कामयाब रही, इसलिए हम बजाय गिरने के बाईसाइकिल को गिराकर खुद खड़े हो गए। हाँ जी, क्या हुआ जी, वो खुद नहीं गिरे और बाईसाइकिल को नीचे गिरा दे, जैसे हम नहीं कहते कि हम किस उलझन में आ गए, तो एकदम हम उस चीज को गिरा देते हैं, ठीक है। तो जब हम उस चीज को गिराते हैं तो खुद हम अपने आप को खड़ा करते हैं कि हम खुद तो ठीक है ना, हमें तो नहीं कोई मसला हुआ, ठीक है। और जब वो अच्छी तरह गिर गई तो फिर इसको उठा कर चले, लेकिन अब की मर्तबा बाईसाइकिल सड़क पर आराम फरमाने
वाले गधे से टकरा कर खुद उधर जा रही और हम गधे का सहारा लेकर इसी की पीठ पर बैठ जाना पड़े जी। फिर जी मुसन्निफ के साथ ये हुआ, ठीक है। बहरहाल ये कोई ऐसी बात ना थी, गधे के उठने से पहले हम खुद उठे और बाईसाइकिल को इस अजम के साथ उठाया कि देखे कहाँ तक गिरती है, ठीक है। उन्होंने कहा जी अब जी जो सड़क पर था गधा था उसके ऊपर चलाते चलाते क्या हुआ जी कि मुसन्निफ जो थे वो उसके ऊपर बैठ गए और साइकिल साइड पे गिर गए। तो उन्होंने कहा जी ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं गधे के उठने से पहले खुद जल्दी से नीचे उतरा और सड़क पर खड़ा हो गया, ठीक है। गधे के उठने से पहले हम खुद उठे और बाईसाइकिल को इस अजम के साथ उठाया कि देखे कहाँ तक गिरती है, या हम ही नहीं या तू ही नहीं। इस वक्त हमको गुस्सा आ जाना जरा मुफीद हुआ कि हमको नहीं मालूम कितनी मर्तबा गुस्सा में खुद ब खुद पैदा हो जाने वाली तेजी के साथ बाईसाइकिल उठा उठा कर मश करते रहे, यहाँ तक कि बाईसाइकिल ने गिरना छोड़ दिया या गिरी तो इस तरह के खुद गिर पड़ी और हम संभल गए। हाँ जी, यानी कि मुसन्निफ ने बार बार साइकिल की मशक की सड़क पे, उन्होंने बार बार उसको चलाया, कभी वो खुद गिर जाते थे कभी साइकिल गिर जाती थी, लेकिन क्या था उनको जुनून था तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसको छोड़ा नहीं, ठीक है, उन्होंने उसको छोड़ा नहीं और उन्होंने मुसलसल वो इस मशक को दोहराते रहे। जब ये मशक इस हद तक पहुंच चुकी, नेक्स्ट पेज है, जब ये मशक इस हद तक पहुंच चुकी तो हम एक दख के सहारे से गद्दी पर गद्दी पर बैठ गए। गद्दी वो जो साइकिल की गद्दी होती है, ठीक है, और बाईसाइकिल को छोड़ दिया जो नहायत तेजी के साथ लहराती हुई इस हद तक चली कि अगर नाले के पुल से ना टकरा जाए तो माँ यानी कि माँ कि हम उसके साथ ही, तो माँ हमारे यकीनन बजाय खुशकी के इसको तरी में चलना पड़े, लेकिन वो नाले के पुल से टकराई और हमको मुंह के बल गिरना पड़ा। हाँ जी, ये उसके साथ फिर दोबारा ये वाकया पेश आया जब उसने दोबारा मश की। गिरने की तमाम तकलीफ इस ख्याल ने जहन से निकाल दी कि हम बाईसाइकिल पर इतनी दूर चलकर गिरे हैं, लिहाजा फिर वहीं गए जहां से चले थे और फिर इसी तरह सवार होकर बाईसाइकिल छोड़ दी। लेकिन बाईसाइकिल के रवाना होते ही मालूम नहीं कमबख्त धोबने कहां से इस सड़क पर आ गई, लाख लाख चीखे चिल्लाए हटो बचो क्या, मगर जिधर वो हटे इस तरह बाईसाइकिल भी मुड़ी और आखिरकार इनकी गठरी से उलझ कर हम भी गिरे, बाईसाइकिल भी गिरी बा मुश्किल। तमाम इनको वहां से रवाना किया और इरादा कर लिया कि अब सवार ना होंगे, मगर दिल ने कहा वाह दो चार हाथ अब तो लबे बाम रह गए। हाँ जी, उन्होंने कहा कि बस अब थोड़ा सी कुछ टाइम था कि हम सीख ही लेते। ये जी दोबारा वाकया किनके साथ हुआ, धोबनों के साथ। जब सड़क पर जा रहे थे तो जारी बात है मुसन्निफ को तो नहीं साइकिल चलानी आती थी, वो जी अभी सड़क पर जब दोबारा से वो चलाना शुरू किया उधर से धोबने आगे आ गई, जिस तरफ को साइकिल जाती धोबन जाती उसी तरफ को साइकिल चली जाती, तो क्या हुआ कि उनसे टकरा गए वो और गटरी भी उनकी कपड़े भी नीचे गिर गए, एक धोबन भी गिर गई। यूं बहुत बुरा हाल हुआ उनसे, मिन्नत समाजत करके जो मुसन्निफ थे वो फिर आगे बढ़े, ठीक है। लिहाजा फिर एक मर्तबा हिम्मत की, अब उन्होंने जी दोबारा हिम्मत की और बस साइकिल पर सवार होकर रवाना हो गए, लेकिन चूंकि उतरना नहीं आता था लिहाजा ये जरूरी था कि कहीं ना कहीं गिरे, वरना बाईसाइकिल का चलना बंद नहीं हो सकता था। लिहाजा इस ख्याल से हम मुतमईन थे कि कहीं ना कहीं गिरना जरूर पड़ेगा, लेकिन दिल चाहता था कि किसी ऐसी जगह गिरे कि चोट भी ना आए और गालियां भी ना खाए। हाँ जी, अब जी वो ये सारे जो मनाजर थे, जो सारे वाकयात थे जो मैंने पहले आपके सबक में पढ़े हैं इनसे गुजर चुके थे, तो अब वो कह रहे थे कि अब मैं इस तरह इसको चला रहा हूँ, इस तरह मतलब कि कभी बैठ भी रहा हूँ, कभी मुझे चोट भी आ रही है और इस बात का भी ख्याल रख रहा हूँ कि अब मुझे किसी से गालियां ना खानी पड़े, ठीक है, कि किसी के साथ ना मैं टकरा जाऊं। अगरचे हम इस गिरने वाले साना के लिए तैयार थे, लेकिन दिल लरस रहा था कि देखिए क्या होता है, जिंदा रहते हैं या नहीं। हाँ जी, वो कह रहे थे कि मैं तो इस साने के गिरने के लिए जो वाकयात मेरे साथ पेश आ रहे थे दिल तो घबरा रहा था, लेकिन देखिए क्या होता है, कहते हैं कि आप देखते हैं कि मैं जिंदा रहता हूँ कि नहीं, तो साइकिल जो है वो मैं सड़क पर तो ले आया हूँ, तो अब देखते हैं कि होता क्या है, ठीक है।
आगे है जी। लेकिन बाईसाइकिल की तेज रफ्तारी ने थोड़ी ही देर में इसका फैसला कर दिया और हमको एक नहायत ही मुकद्दस बुजुर्ग से इस बुरी तरह लड़ाया कि खुद तो कमबख्त अलग जा पड़ी और हमको बड़े मियाँ के ऐन ऊपर गिराया। ये जी फिर लास्ट वाकया था, यानी कि मुसन्निफ ने जो थे ना वो बाज नहीं आए। ये उन्होंने मुसन्निफ ने अपने बचपन का बड़ा मजाहिया जो वाकया इधर बयान किया है, सारा जो मजाक से भरपूर है, ठीक है, जो फिर दोबारा जो वाकया उनके साथ अब पेश है, अब एक बड़े अच्छे बुजुर्ग के साथ वो टकराए हैं जिनके वो ऊपर ही जा पड़े, यानी उनके कंधों पर साइकिल कहीं गिर गई है। तो बुजुर्ग ने तो उनको अच्छा खासा जो ठीक किया, खासी डांट डपट की है। वो बेचारे वजीफा में महफते के ये नागहानी आफत आ गई। गालबन हमको मुल्कल मौत समझे होंगे, उन्होंने कहा कि यकीनन उनको लगा होगा कि कोई मौत मेरे ऊपर आ पड़ी है, इसलिए यानी कि एकदम से आप अपने ध्यान में कुछ पड़े हो और कहीं कोई कंधे पे आपके आगे सवार हो जाए तो फिर आपको तो ऐसे ही लगेगा ना, ठीक है, तो आपको तो ऐसे ही लगेगा ना कि ये क्या हो गया एकदम से। इसलिए हमने अपने होश बजा होने के बाद इनको कलमा पढ़ते हुए देखा और अपने आप को इनके ऊपर पड़ा हुआ। हम जल्दी से उठे और इनको नहायत तजीम से उठाकर माफी चाही, लेकिन वो बेचारे कुछ ना बोले। अब बुजुर्ग कुछ ना बोले क्योंकि वो ऑलरेडी वजीफा पढ़ रहे थे और उन्होंने कहा कि अब इस बच्चे को क्या कहना है, ठीक है, सिर्फ घूरा किए, सिर्फ उन्होंने उसको ऐसे गुस्से से घूरा, ठीक है। हमने इनके कपड़े खुद झाड़े, मुसन्निफ ने जी उनके कपड़े झाड़े, इनको बाईसाइकिल की तरफ चलाने की कोशिश की तरह चलाने की, जैसे भाई साइकिल चला रहे थे वैसे उनका फिर हाथ पकड़ कर चलाना शुरू किया कि चलें आपसे चला जा रहा है, क्योंकि उनकी हालत बुरी हो गई, मुसन्निफ उनके ऊपर आ पड़े, ठीक है। लेकिन हमको रूह कब्ज करने के अंदाज से घूर रहे थे। हमने जब ये आलम देखा तो इनको घूरता हुआ छोड़कर जी हमने जब ये आलम देखा तो इनको घूरता हुआ छोड़कर बाईसाइकिल की तरफ मुतवज्जा हुए, लेकिन अभी इसका ये हाल था कि हैंडल घूमकर दूसरी तरफ हो गया था। चूंकि हमको हैंडल की साख के तबार से अगले पहिए की तरफ से सवार होना नहीं आता था, लिहाजा साइकिल सवारी की तालीम को नामुकम्मल छोड़कर चोरों की तरह मजरूह बाई साइकिल लिए घर आए, और घर पर जो कुछ हुआ वो इसलिए नाकाबिले तहरीर नहीं कि अब बयान करते हुए शर्म आती है। हाँ जी, जब वो ये सारा कुछ करते करके तो घर उस साइकिल की नकारा हालत को, जो साइकिल की मजरूह हालत हो गई थी, साइकिल को बिगाड़ दिया था। जाहिर बात है जब साइकिल इधर उधर गिरेगी, इतनी दफा पटकेगी तो उसकी क्या हालत हो जाएगी, और वो क्या थी, उसकी उनकी साइकिल नहीं थी, किसी और की साइकिल थी। जब उसको वो लेके आए हैं तो उन्होंने कहा कि अब आगे जो मुसन्निफ है वो कह रहे हैं कि अब मैं क्या तहरीर करूँ, मुझे शर्म आती है, क्योंकि क्या हुआ उनको अच्छी खासी डांट डपट हुई, ठीक है, घर से कि आपने ये सब कुछ क्या किया, ठीक है। तो ये थी जी हमारी आज की नज़ सबक सॉरी आज का लेसन था बाईसाइकिल की तालीम, यानी कि इस नज़म का नाम भी यही, इस सबक का नाम भी यही है, बाईसाइकिल की तालीम लेसन का नाम जो है, ठीक है, जो मुसन्निफ ने बड़ी खूबसूरती से अपने बचपन को मजाहिया लहजे में बचपन के एक वाक्य को बयान किया है, ठीक है। अब सब बच्चे अपनी कॉपीज निकालिएगा, उर्दू ए की कॉपीज, सिक्स क्लास उर्दू ए की कॉपीज निकालें, तारीख लिखें, ऊपर लिखें लेसन का नाम बाईसाइकिल की तालीम, तारीख लिखें, क्योंकि आगे मैं चाह रही हूं कि अभी आज ये आप एटलीस्ट जो है ना ये करें अल्फाज के मायने, जल्दी से मेरे साथ कीजिएगा। अगर तो आपके पास फोन है तो आप बेटा जी,